आगे चुनाव के ऊपर कोई ना कोई प्रभाव निश्चित रूप से होता है। इसमें से मैं विश्वास पूर्वक ये भी कह सकता हूँ कि लोकसभा के चुनाव में कम से कम हरियाणा की जनता 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। राजनीतिक संस्कृति को हमने शुरू किया है जिससे हरियाणा की जनता बहुत पीड़ित थी, भेदभाव के कारण से पीड़ित थी, भ्रष्टाचार के कारण से पीड़ित थी, उन सब चीजों से ऊपर उठ करके हमने एक नई संस्कृति, चाहे वो भर्तियों की बात हो, चाहे ट्रांसफर्स की बात हो, चाहे चाहे बीबीसी के नाते से जैसे मैं कांग्रेस की एक थ्योरी के ऊपर जैसे आप लोगों को बताता हूँ कांग्रेस किस थ्योरी पर चलती थी, बदलियां भर्तियां और सीएलयू, चाहे उस प्रकार का भ्रष्टाचार हो, उन सब को दूर हटाते हुए पार करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस चुनाव में जिनके चुनाव में लोगों ने, विपक्षी पार्टी के लोगों ने बहुत तरह के ओछे हथकंडे भी अपनाए, जाति पात की राजनीति भी करने की कोशिश की गई, लेकिन हम लोगों ने जैसे हरियाणा एक हरियाणवी एक ये बात कही थी, उसी अनुसार हम चलते हुए सारे सब समाज के सब वर्गों को सब क्षेत्रों में एक समान विकास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये उस बात का प्रमाण है कि जिनकी जनता ने उसके ऊपर मोहर लगाई है। यह खट्टर साहब थे जो कह रहे हैं कि जीत हमारी हुई है, विश्वास है उनको, लोकसभा सीट भी हम जीतेंगे, एक नहीं दो नहीं 10 की 10 ये इनका विश्वास है। और विकास की बात की जाए, इसी को लेकर, एजेंडे को लेकर वो आगे चलेंगे और इसी एजेंडे पर हम जीत हासिल करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आपको जब उत्तरी हरियाणा में विधानसभा चुनाव जब हुए थे तब अच्छा वोट बैंक हासिल हुआ, उसके बाद दक्षिण हरियाणा से भी आपको अच्छा वोट बैंक हासिल हुआ, यही कारण था आप 90 विधानसभा सीटों में जीतकर आगे आए। लेकिन विकास की जो बयार है, समान विकास की जो आप बात कर रहे हैं, वो कितनी जल्द पूरा होगा और रहते समय में अब जींद की धारा पर विकास की किस तरीके से बयार आप कम समय में लाएंगे, कैसे विश्वास जीतेंगे, ये एक दूसरा बड़ा सवाल होगा। लेकिन कृष्ण मिड्डा फिलहाल जीत गए हैं, मिड्डा साहब बाहर आए, सवालात हमारे थे उनसे, क्या कुछ कहा उन्होंने जीत के बाद ये सुनिएगा आप। जींद उपचुनाव को लेकर 3 राउंड की काउंटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि 3 राउंड की काउंटिंग के अंदर जजपा जो है वो जरूर लीड करती नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी को भी ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा रिस्पांस मिलता नजर आ रहा है। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा हमारे साथ बातचीत करते हैं। मिड्डा साहब, रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा मिल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं शहरी वोटों से ज्यादा उम्मीद होती है, लेकिन यहाँ तो उलट होता नजर आ रहा है कि ग्रामीण भी ज्यादा बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं बनिस्पत कांग्रेस की बात करें तो। ग्रामीण क्षेत्र की जहाँ तक बात है, मुझसे सभी ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरा एक जो अपना 13-12 साल का जो मेरा अपना पिताजी के साथ जाना अनंतगांव में, उसका बहुत प्रभाव रहा। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जो कार्यशैली है, जो डी ग्रुप के रिजल्ट आए हैं या जींद का जो विकास हुआ है, और प्रत्येक गांव में भी उन्होंने काफी गांव के विकास के लिए पैसा दिया है, तो विशेष रूप से वो काम करेगा तो स्वाभाविक सी बात है। स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं वहां से रिस्पांस मिलता नजर आ रहा है। और ये रिस्पांस क्या लगता है कि शहरी वोटर भी इसी तरह से साथ खड़े नजर आएंगे बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, शहरी वोटर भी साथ खड़ा नजर आएगा। और 14-14.5 हजार का हमारा टारगेट था कि गाँव से हम 14.5 हजार के आसपास वोट लेंगे, तो मेरे को लगता है शायद हमारा आंकड़ा गलत रहेगा, ज्यादा हो जाएंगे। ज्यादा हो जाएगी तो लीड का कितना मानते हैं कि कितनी लीड दे पाएंगे दूसरों को? 15 हजार से जीतने की संभावना है। देखिए 15 हजार से जीतने की संभावना यहाँ पर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा बताते नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि इनकी संभावना जो है वो कितनी खरी उतरती है। कैमरामैन नितिन के साथ विनीत कपूर, लिविंग इंडिया न्यूज, जींद। कृष्ण मिड्डा को आपने सुना, लेकिन दूसरी तरफ अब कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि विकास आखिर कैसे होगा। लेकिन साफ तौर पर जो चीजें चल रही हैं वो अब एक मौका भुनाने की कोशिश की जा रही है और एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश की जा रही है विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए, क्योंकि समझाया जा रहा है कि बजट सत्र जो है अब इसके बाद कहीं ना कहीं ऐलान हो सकता है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाएं। और ये जो नतीजे आए हैं जिनके बाद कहा जा रहा था कि अगर भाजपा जीतती है तो जरूर यकीनन इसका ऐलान हो सकता है, क्योंकि मौका है भुनाने का और भुनाया भी जाएगा कहीं ना कहीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, ट्वीट दरअसल ये कर रहे हैं और ट्वीट आपका देखिए किस तरीके से है। ये मनोहर लाल को फिलहाल हरियाणा के जो सीएम हैं उनको बधाइयां देते नजर आ रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि जींद पर जो आपने जीत दर्ज की है उसकी आपको बधाइयां, और साफ तौर पर कहा है कि ये ऐसी सीट थी जो हमने कभी नहीं जीती थी और मैं खुशी व्यक्त करता हूं
प्रदेश की जनता को, जींद की जनता को बधाइयां देता हूं और साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल खट्टर को भी बधाइयां देता हूं जो जीत भाजपा की झोली में डाली है आपने। दिग्विजय सिंह चौटाला, एक प्रत्याशी के तौर पर अब चुनावी जंग में आप उतरे थे और जेजीपी आपकी पार्टी का नाम, लेकिन पार्टी अभी रजिस्टर नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन किया है जेजीपी ने, अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़े मायने रखती है ये जो शुरुआत है जेजीपी की, क्योंकि ग्रामीण वोट बैंक की बात की जाए तो वो उनको ज्यादा नहीं मिला, लेकिन दूसरी तरफ अगर तकनीकी तौर पर समझे जींद की धारा को तो ये जींद की धारा में सबसे ज्यादा जो शहरी वोट बैंक है वो ज्यादा है। अब ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो वो वोट बैंक कम है, इसलिए उम्मीद के मुताबिक आप चले, आपको जो वोट बैंक हासिल हुआ उतना काफी था। अब दिग्विजय चौटाला क्या कुछ कह रहे हैं, मीडिया से क्या बातचीत हुई और खामियों के बारे में भी हालांकि उन्होंने बताया है जिसको लेकर वो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखने की बात कर रहे थे, क्या कहा ये सुने आप। 30,000 वोट इस बात, 37,681 वोट इस बात का प्रमाण है कि खूब प्यार खूब स्नेह यहाँ के लोगों ने गले से लगाने का काम मुझे भी, दुष्यंत जी को भी और पूरी पार्टी को। बिल्कुल क्यों नहीं, जो पार्टी फैसला करेगी, पार्टी जहां से चुनाव लड़वाने का फैसला करेगी, पार्टी, ये पार्टी के फैसले होते हैं, ये व्यक्ति विशेष के फैसले नहीं होते। संगठन के अंदर संगठन प्रथम, लोगों के लिए जो एजेंडाज को लेकर के चले हैं उसे प्रूव करने आए हैं, उसे आज हमने प्रूव किया है। दुष्यंत चौटाला जी की अगुवाई में जननायक जनता पार्टी लड़ती थी, लड़ती है और लड़ती रहेगी। निश्चित तौर पर हम अपनी कमियां खामियां जो रही हैं, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम 45,000 को क्रॉस करेंगे, किस कारणवश नहीं कर पाए वो हम अंदर इंटरनली करके उन सारी चीजों को डील कर, जो भी हालात होंगे उस पे आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में व्यवस्था परिवर्तन के लिए जननायक जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। मैं सभी लोगों को बधाई दूंगा जिसको जितने वोट मिले उनके लिए वो बहुत अच्छी बात है कि उनने वो वोट कमाए हैं, उनने वो वोट कमाए हैं। लोगों के अगर किसी ने 100 वोट भी लिया है तो 100 वोटों का दिल कम से कम उन्हें जीता। हमने 37,000 लोगों को, ईवीएम की बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे नंबर्स जो हैं वो मैच नहीं हो रहे थे, जो बाहर के बॉक्सेस थे उस पर जो स्टैंप लगी हुई थी, बहुत से बॉक्सेस पर स्टैंप नहीं थी, स्टैंप थी तो उसके साथ में जो साइन होते हैं वो साइन नहीं थे, कहीं नंबर नहीं थे, वो सारी लिखित तौर पर हमने दी है और इसके लिए मीडिया के लोगों को बुला करके एक बड़े स्तर पर इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हम निश्चित तौर पर जो अनियमितताएं हैं जो महसूस हो रहा है वो सही समय आने पर पार्टी और हम सब लोग उठाएंगे। अभी क्योंकि रिजल्ट आया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को बधाई देना चाहता हूं, वो जीते हैं। अगर हम हारे हैं मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, मगर मैं इसको अपनी हार नहीं मानता। सकारात्मक तौर पर अगर सोचा जाए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से सोचा जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत। अगर लाठी चार्ज हुआ, क्योंकि मैं अंदर था, मुझे ये रिपोर्ट्स नहीं है, अगर लाठी चार्ज हुआ तो अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए था। और मैं ये मानता हूं कि जीत और हार चुनाव का अलग विषय होता है। सरकार के अंडर प्रेशर आकर के अगर पुलिसिया तंत्र कार्रवाई करेगा, मैं कम से कम पुलिस प्रशासन से ऐसी उम्मीद नहीं करता। किसी ने आज दी और कल कोई देगा तो जननायक जनता पार्टी देगी। सरकार की अनियमितताओं के खिलाफ, सरकार की कमियों और खामियों के खिलाफ कोई आवाज बुलंद करने में कामयाब रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। रिजल्ट दिखा रहे हैं कि वो जननायक जनता पार्टी है, कांग्रेस को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, मुश्किल से कांग्रेस अपनी जमानत बचा पाई। तो जेजेपी को 37,631 के करीब वोट मिले हैं, तो अच्छी शुरुआत ये मान रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने भाजपा के बराबर, या यूं कहें भाजपा को बराबर टक्कर दी है। ये दरअसल जेजेपी के जो प्रत्याशी हैं दिग्विजय चौटाला कहते नजर आए, चौथी पीढ़ी के नेता, लेकिन दूसरी तरफ हारे तो और भी हैं। अब कांग्रेस के किले की अगर बात करें तो सेंध भी लगी, वोट बैंक भी कटा और जो कांग्रेस एक साथ कभी मंचों पर नजर नहीं आई, अलग थलग नजर आई, अब इस बार की कांग्रेस अलग थी। सबने एक साथ प्रचार किया, स्टार प्रचारक के तौर पर हुडा तवर सब लग गए, लेकिन सुरजेवाला जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो फिर भी नहीं जीत पाए। अब वजह क्या है, कारण क्या है, मंथन इनको करना होगा। सुरजेवाला ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा ये सुनिएगा आप।
जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चुनाव से एक बात स्पष्ट हो गई कि खट्टर साहब का जाति पाति का एजेंडा तरक्की के एजेंडा पर जीत गया, परंतु डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा मार्जिन से ये चुनाव जीते हैं। हमारी शुभकामनाएं, मुझे उम्मीद है कि खट्टर साहब डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा के साथ मिलकर जींद के सपनों को पूरा करेंगे, क्योंकि जींद के सपने किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी से बड़े हैं। जींद में जो ढांचागत विकास की आवश्यकता है, जींद जो अनदेखी और पक्षपात का शिकार है, जींद जिसने 4.5 साल में कोई प्रगति नहीं देखी, जींद शहर जिसमें प्रगति का अभाव है, मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में जाति पाति के विभाजन से बढ़कर खट्टर साहब और डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा उस उम्मीद को जो जींद के नौजवान, जींद के बुजुर्ग, जींद की 36 बिरादरी में जगी है, उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ये राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के आप सुन रहे थे रणदीप सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे थे। अंदाज उनका वही निराला पुराना, लेकिन हार के बाद भी इन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा। दूसरी तरफ अगर सवालों की बात की जाए, कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं जो आपको हम दिखाएंगे और इन सवालों को लेकर तमाम मेहमानों से भी चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल पहला, क्या जींद में खिले कमल ने 2019 का रास्ता साफ कर दिया है? ये पहला सबसे बड़ा सवाल। अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि भाजपा जीत की लहर को भुनाने की कोशिश करेगी? ये दूसरा अब तक का सबसे बड़ा सवाल है जो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। क्या गुटबाजी से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा? ये मंथन करने की हम कोशिश करेंगे, आज जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हार के कारण रहे या जीत के। 2019 में इनेलो की नैया कैसे पार होगी और भी तमाम मसलों पर पड़ताल करेंगे, इनेलो की भी, जज्बा के मसले पर भी हम खुलकर चर्चा करेंगे आज। क्या जज्बा को हराने में दिग्गजों का दम लगा, यानी कि अपनों का ही जो पराये हो गए? क्या जज्बा की एंट्री ने हरियाणा को नया विकल्प दे दिया है? क्योंकि प्यार तो इनको काफी मिला लेकिन जीत नहीं पाए। क्या जींद में खिले कमल ने 2019 का रास्ता साफ कर दिया? ऐसे तमाम सवाल जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। क्या भाजपा जीत की लहर को भुलाने की कोशिश करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल। क्या गुटबाजी से हुआ कांग्रेस को नुकसान? 2019 में इनेलो की नैया कैसे पार होगी? महत्वपूर्ण सवाल लगातार आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। और आज इन्हीं तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, पूरी पड़ताल करेंगे। जींद की धरा पर जो आज नतीजे रहे हैं वो किस बना पर रही हैं, क्या कारण रहा है और क्या भविष्य में जो हरियाणा की राजनीति है क्या उस पर इसका असर पड़ेगा? ये जनता है, ये उसे चुनती है जिसका प्रभाव रहता है। ये जनता है जिन्हें उम्मीद रहती है कि हाँ ये विकास करेंगे। सरकारों का फायदा हुआ क्या? भाजपा जीत की लहर को भुनाने में कोशिश करेगी आगे भी? फिलहाल ये सवाल है, ये मुद्दे हैं। लेकिन जींद की धरा की बात की जाए, आज भाजपा का कबल खिल गया है और हो भी क्यों ना, जीत की खुशी तो तमाम जगहों पर आपने देखी किस तरीके से भाजपा ही मना रही है। कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है। इनेलो को जो वोट बैंक हासिल हुआ रेडू को मात्र 3,000 के लगभग, ये भी एक चिंता का विषय है। वहीं बड़े पत्ते जो उतारे थे वो हार गए, दिग्विजय सुरजेवाला या फिर रेडू की बात की जाए, इन तमाम मसलों पर हम मंथन करेंगे। तमाम मेहमानों से मुखातिब करवा दूं पहले आपको। प्राइम टाइम में भाजपा से राजेश कौर साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से केवल ढींगरा साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, इनेलो के जोगी राम जी, वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया साहब, ये तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। सबसे पहले भाजपा से शुरुआत करते हैं। राजेश कौर साहब, बहुत बहुत बधाइयां आपको, कमल खिल गया है, कारण क्या मानते हैं सर आप? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बधाई का। मैं जो कारण मानता हूं वो दो तीन कारण है जिनको मानता हूं। पहला कि हमने विकास पर हमारी मोहर लगी है, जो भी हमने विकास किया उस पर मोहर लगी है। दूसरा मैं ये मानता हूं कि जो यहां पर पन्ना प्रमुखों की बैठकें हुई, जो भी कार्यकर्ता धरातल से जुड़ा था उनकी बैठकें लेकर हम इस चुनाव में उतरे,
साथ में हमने जो लोग बाहर से जो लोग यहाँ लगाए कि जिनों की बूथों पे और शक्ति केंद्र प्रमुख पे काम किया वो सब उन सब ने बड़ी मेहनत से काम किया और इस कारण ही हमने ये जो भाजपा का जो ध्वज है भाजपा का जो कमल है वो हरियाणा में दोबारा खिला जीन की धरती पर धरा पर दोबारा खिला है इसके यही कारण मैं मानता हूँ। ठीक है तो बिल्कुल ये हमारे जो मेहमान थे भाजपा के कह रहे हैं कि जो विकास की बयार है उसके कारण हम जीते लेकिन दूसरी तरफ जो सुरजेवाला है साफ तौर पर आज उनका दरअसल एक बयान आया था और डिंगरा साहब आपसे इसी मसले पर मैं चर्चा करना चाहूंगा जाति पाति से जीती है भाजपा ऐसा सुरजेवाला को क्यों लग रहा है और क्या वाकई मंथन करने की जरूरत है हार पर? नहीं देखिए मैं एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा ये जो समीकरण होते हैं उपचुनाव के जहां पे मुख्यमंत्री जिस सरकार का होता है तो वो समीकरण तो रहते हैं उसका एक एज रहता है और लोगों को भी एक आशा रहती है कि जिस कैंडिडेट को हम जिताएं तो उसके काम होते रहेंगे उस हलके में मुख्यमंत्री होगा तो वो उसके काम करेगा। लेकिन यहाँ पे दो चीजें आई एक तो आप ये देखिए कि जिस तरह से ये विकास की बात करते रहे विकास कोई हुआ ही नहीं इन ये तीन काम भी नहीं गिना सकते अपने हरियाणा के अंदर जो इन्होंने किए हो तो विकास तो कोई हुआ नहीं ये इस बात की नहीं। जहां तक जाति पाति की बात है तो जाति पाति का जहर तो इन्होंने 4.5 साल से घोला और 3 बार हरियाणा जला और 100 लोग पुलिस की गोली का शिकार हुए तो ये जाति पाति का जहर तो ये हमेशा से घोलते आए और प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर घोल रहे हैं। आप ये देखिए कि उधर से कहां जन्मभूमि की बात चलती है राम जन्मभूमि की बात चल रही है उधर से कई नया दाव चल देते हैं कि न्यास की जमी उनको वापस दे दी जाए उनको कहां से कहां ये सिर्फ जाति पाति के ऊपर तो जरूर बात होती है। लेकिन एक मुद्दा और रहा इस चुनाव के अंदर मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक एक ईवीएम का सवाल है मैं ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहा मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव है ये बैलेट पेपर पे होने चाहिए कि अगर जो कोई चिप है अगर उसको कोई मैनिपुलेट या उसके बीच में कोई भी चीज को कोई भी किंतु परंतु कर सकता है तो ये जब बड़े बड़े देशों में बैलेट पेपर पे चुनाव होते हैं और विकसित देशों में भी बैलेट पेपर पे चुनाव होते हैं तो भारत में क्यों नहीं हो सकते इसके बारे में भी एक सोचना चाहिए और सभी विपक्षी पार्टियां एक मत में ये चीज करती हैं कि जो ये चुनाव है ये सारे के सारे क्योंकि कोई भी छेड़छाड़ ना हो पाए क्योंकि एक चिप है चिप को कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है तो अगर वो उसके ऊपर उसके क्योंकि इस चुनाव में भी ये देखने में आया कि सीआरपी बुलानी पड़ी पुलिस की लाठीचार्ज हुआ और जो वहां पे वोटिंग मशीनें थी वो जो मशीन थी वो मैच नहीं कर पाई और ईवीएम भी जो थी वो कुछ ब्लैंक पाई गई तो वो सारा चुनाव के अंदर ही सब कुछ देखने में दिखा तो इसमें जो है एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है पूरा करती 10 साल तो आपकी सरकार रही ना सपने आप लोग पूरे करते जिनका थोड़ा बहुत विकास किया होता सुरजेवाला को फायदा पहुंचा होता। नहीं नहीं विकास हमने मैं आपको नाम गिना देता हूँ आज इस पर चर्चा नहीं है मैं विकास गिना देता हूँ कि हमारे टाइम पे क्या हुआ विकास आप सुनिए हमारे टाइम पे अगर ये सुनना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ 10 साल पहले जींद का बाईपास बना मेरी बारी तो आ रही है पूछ रहे जींद में बाईपास 10 साल पहले शुरू हुआ रेलवे लाइन 10 साल पहले शुरू हुई बस स्टैंड हमने बाहर लेके गए यूनिवर्सिटी हमने बनाई हॉस्पिटल का विस्तार हमने किया और बिजली के प्लांट हरियाणा और जो हुड्डा का रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स सारे हमने जींद के अंदर हमने बनाए तो काम तो हमने किए लेकिन काम जो है वो वोट नहीं दिला पाए हम ये मानते हैं कि ये दूसरा कारण क्या है इस पर भी चर्चा करूंगा मैं दिला पाए तो विकास की बात नहीं रही ठीक है समीकरणों की बात आ गई। इनेलो का भी रिएक्शन ले लेते हैं जोगी राम जी हार किस वजह से हुई है क्या कारण मांगते हैं आप पारिवारिक फूट पारिवारिक विवाद और इसका फायदा दूसरों को हुआ बधाई देना चाहूंगा कि इनकी पार्टी ने जीत हासिल की है ये जनता का मैंडेट है और जनता जिसको मैंडेट देती है वो सबको एक्सेप्टेड होता है करना चाहिए खुशी से करना चाहिए। दूसरा मेरा है कि भाई हमारी पार्टी इनेलो पार्टी पहले भी 31-32 हजार वोट लेकर जीती थी तब के बाद जेजेपी को 37-38 हजार वोटें आई हैं 3 हजार हमारे 3400 एनएलडी को वोटें आई हैं इसमें एक तो कारण ये रहा कि भाई एक कैंडिडेट थे दोनों एनएलडी के ही पार्ट थे जो भारी हो जाता है तो लोग अपना वोट उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि भी ये जीत रहा है तो उसको दे दिया जाए। दूसरा हमारी पार्टी के
अंतर घात तो हुआ ही है कि अभी ऐसे समय पर एक तो हमारे जो हरिचंद मिड्डा जी थे भगवान को प्यारे हुए किसी कारण से जी जी, और कैंडिडेट का चले जाना बीजेपी में, दूसरा पार्टी के दो भाग हो जाना, ये सब फैक्टर इसमें रहे हैं। उसमें समय पार्टी को ना, इसमें हम मंथन करेंगे भी क्या बात है आगे इस पे विचार करके जी जी, और आगे जो इम्प्रूवमेंट्स होगा उसका करेंगे। लेकिन जो एनएलडी का वोट था वो एज इट इज ही रहा है, चाहे जेजेपी को गया या एनएलडी, ठीक है इस पर मैं चर्चा करूंगा। मलकानिया साहब यही रहा है इतने समय के बाद, पहले की बात मैं करूँ, कांग्रेस का स्कोर था 5, इनेलो का था 4 और भाजपा था 0, लेकिन भाजपा का स्कोर 1 हो गया है, कारण क्या माने जाए और जो हारे हैं उनकी कारण को किस तरीके से देखते हैं मलकानिया साहब? एक तो बड़ी साफ बात है, जब भी उपचुनाव होता है तो जो सत्ता पार्टी है उसके पक्ष में लोग मतदान करते हैं, और ये बात शायद कांग्रेस को समझ नहीं आई कि उन्होंने अपना उम्मीदवार ऐसा उतारा जो पहले विधायक था, तो लोग ये बात पूछते थे कि अगर ये जीत जाता है तो कहां से चुनाव उम्मीदवार विधायक रहेगा और कौन सी सीट छोड़ेगा, अगर सीट छोड़ता है तो चुनाव तो होना ही था अगर जीत जाता, तो इसका मतलब ये है कि सरकार पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता चुनाव का, इसलिए लोगों ने ये मान तो बना लिया कि ये विधायक हैं इनको चिताकर कोई फायदा नहीं। दूसरी ओर जो भाजपा का उम्मीदवार था वो सत्ता पक्ष था और लोग चाहते थे कि विकास हो, और जैसे आरोप लग रहे हैं पे जींद में विकास नहीं हुआ, तो कम से कम चुनावों के नजदीक इन दूसरी पार्टियों का आरोप है खड्डे खोद दिए, सड़कें खोद दी, मतलब सिवरे लाइने बिछाई, दूसरा काम हुआ, तो काम तो शुरू हो गया ना, तो उनका उम्मीदवार जीत गया तो ऐसी आशा की जा सकती है 7-8 महीनों में कुछ ना कुछ तो विकास उसका होगा, और कुछ ना कुछ क्यों करना पड़ेगा आगे, 8 महीनों के बाद फिर चुनाव आने वाले हैं, तो इसलिए भाजपा को अपनी जीत पक्की करने के लिए वहां विकास तो करना पड़ेगा। जहां तक इंदौर का सवाल है, डिंगरा साहब, मैं आपकी बात को पकड़ता हूँ, मलकानिया साहब आपकी बात को पकड़ता हूँ, डिंगरा साहब क्या वाकई कैंडिडेट नहीं था? और काटा शब्द का तो अब प्रचलन हरियाणा की राजनीति में आजकल खूब चल रहा है, जैसे हुडा और रामविलास शर्मा काफी चुटकी लेते आए थे पूरे मसले पर, और काफी विवाद भी उस पूरे मसले पर हुआ था, और आज ज्ञानचंद गुप्ता ने भी कह दिया है कि तंवर और हुडा का जो काटा था सुरजेवाला यानी कि वो निकल गया है। डिंगरा साहब देखिए, ये बीजेपी के लोग जो हैं ये हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर इस तरह की बात करते हैं और इस तरह का फैलाने का काम जरूर करते हैं, लेकिन जहां तक कांटे की बात है, देखो हमारी AICC ने टिकट दी थी उनको और उन्होंने पूरे जोर से चुनाव लड़ा और सभी लोगों ने उनको जिताने की पूरी कोशिश की। हाँ, लेकिन अगर वो नहीं जीत पाए तो उसका एक कारण मैं ये भी मानता हूं कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो शायद जिला अध्यक्ष इलाकों में डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं बना पाए, ब्लॉक की टीम नहीं बना पाए, तो हमारी जो कुछ टीमों की जो नहीं थी डिस्ट्रिक्टों में उसकी जो कमी है वो हो सकता है उसका एक कारण रहा हो। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा हमारी AICC इस बात की जरूर जो है इसके बारे में सोचेगी, और आने वाला जो चुनाव है वो लोकसभा का चुनाव आएगा, 2-1 महीना रह गया, तो इस बारे में जरूर आंकलन लेगी और इस सारी चीज को देखते हुए तो एक समीकरण गुट बनाएगी कि जिससे अगला जो है हम फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो और 10 की 10 लोकसभा की सीटों के लिए रेडी हो जाएं। राजेश साहब देखिए, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, हाँ जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं फरमाइए फरमाइए जनाब। इसके अंदर अभी इन्होंने ईवीएम की बात करी, हाँ मैं अभी धिंगरा साहब ने ईवीएम की बात की थी, आज अलवर के अंदर ये लोग जीते हैं राजस्थान के अंदर, तब इन्होंने ईवीएम की बात नहीं उठाई, लेकिन जब जब भाजपा जीतते हैं ईवीएम की बात उठाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी आप देखिए, मैंने ये नहीं कहा, आपने बोला था, मैंने ये कहा कि सारे देश के अंदर बैलेंस में जब अखिलेश कहते हैं, जब मायावती कहती हैं, बोल रहा था मैं, जब आप बोल रहे हैं ना, मैं आपको बोल रहा था, मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूं। और दूसरी बात ढिंगरा साहब, अब आप इस बात से देखिए कांग्रेस में गुटबाजी कितनी ज्यादा है, अभी इन्होंने बोला कि शायद अशोक तंवर जी इतने जिलाध्यक्ष नहीं बना पाए, तो देखिए गुटबाजी खुद दिखती है, इस कारण ऐसा हुआ नहीं, ये, लेकिन ये, अगर, अगर, हो सकता अगर, है। अगर देखिए अगर बिल्कुल ये तो जग जा ही रहा है डिंगरा साहब, साफ तौर पर डिंगरा साहब एक और बात सुनिए, अब तंवर का ये बयान आया था कि अगर हारे तो जिम्मेदारी मेरी होगी, लेकिन अभी तक मुझे कोई दिखा नहीं कि मीडिया के सामने आकर किसी ने अब खुलकर कहा हो हाँ ठीक है हारे जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ना तंवर ना हुडा, हुडा भी यही बात कहते नजर आ रहे हैं कि भाजपा सत्ता में है, फायदा उसको मिला,
जाति कार्ड खेला है, सुरजेवाला इस तरह का बयान दे रहे हैं, इस तरह के बयान अब आ रहे हैं, जिम्मेदारी वाले कहां गए फिर? नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि रणदीप जी ने तो अपनी बात कह भी दी और ये भी कहा कि वो जीत की बधाई देते हैं उनको, लेकिन जो अपेक्षा है समीकरण के हिसाब से होता है, जो जो मुख्यमंत्री होता है उसके इलाके में अगर उसी उम्मीदवार को लोगों ने जिताया, जिस तरह इन्होंने कहा तो राजस्थान में कांग्रेस है तो वहां पे कांग्रेस का आदमी जीता है और वो ये 12,000 से जीते हैं, वहां 15,000 से हमने सीट जीती है, तो ये समीकरण होते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वो लोग ये अपेक्षा भी रखते हैं कि उसके इलाके का विकास हो, लेकिन जहां तक हमें ये दिख रहा है कि साढ़े चार साल में तो एक ईंट नहीं लगी बीजेपी की तरफ से, तो मैं चाहता हूं कि ये जितने भी लोग वहां पे काम चाहते हैं तो बीजेपी के लोग वहां पे काम करके दिखाएं कि अभी जो उनकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहां तक राजस्थान लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव भी अब नजदीक हैं, उसमें अब क्या वाकई जनता जनता के लिए जो आपने वादे रादे दिखाए थे वो पूरे होंगे? साफ स्पष्ट जवाब इस पर चाहिए सर, क्योंकि जींद की जनता भी देख रही होगी आज भाजपा किस तरीके से बयान देती है जीत के बाद। देखिए, मुझे अभी ये कहते सत्ता पक्ष के समय में जिस पार्टी की सत्ता होती है उसका चुनाव जीतता है, लेकिन हमें 4.5 साल हो गए उसके बाद ये चुनाव हुआ है, ये तो अभी राजस्थान में अभी भी जीते हैं तो ये तो जीतेंगे। लेकिन हम 4.5 साल बाद हमारा रिपोर्ट कार्ड था जनता के पास और हमने विकास किया। जो मेरे से सवाल किया, देखिए विकास कितना हुआ ये बताएं, 4.5 साल बीजेपी के हुए हैं और जींद भी आपके हरियाणा में ही आता है, तो विकास से अछूता क्यों रहा? आपके विधायक नहीं थे शायद इसलिए? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं जी, मेरा जो मैंने देखा है, अगर आप पूरे पिछले 15 साल या 10 साल जब कांग्रेस सरकार रही है उसका विकास और हमारे विकास में हमें क्यों कहते हैं हम बेहतर रहे, क्योंकि हमने मूलभूत सुविधाएं दी। कांग्रेस कहती है हमने रणवीर सिंह जो चौधरी रणवीर सिंह वाला जो यूनिवर्सिटी बनाई, इन्होंने सिर्फ यूनिवर्सिटी बनाई, पत्थर लगा दिया, डिपार्टमेंट्स नहीं दिए, लोगों की नियुक्तियां नहीं कही। हमने अगर मूलभूत सुविधाएं दी, क्या क्या दी मैं बताता हूं आपको, हमने 603 ट्रांसफॉर्मर्स दिए लोगों को, हमने 12 सामुदायिक जो वहां पर जो छोटे छोटे तालाब थे वो डेवलप किए, जो रानी तालाब जो मेर जींद का उसको साफ किया, उसको डेवलप किया। अगर हम मूलभूत, हमने अलेवा के नाम से जो तहसील डेवलप करी जिससे लोग, और हमने 12 सचिवालय बनाए ग्राम सचिवालय की, जो स्वराज की जो बात करते हैं जो आम आदमी को मिल सके उस पर हमने काम किया। मैं इस बात को मानता, हो सकता हमने 100% विकास नहीं किया लेकिन हमने इनसे बेहतर किया, और जो आदमी जो सबसे आम आदमी उसको देने का पूरा उस पर मेहनत करी, ये कारण था कि आज हम चुनाव जीते और हमारे विकास के जो हमारी विकास की दर है जिस हिसाब से हम विकास कर रहे हैं उस पर मोहर लगी। इस बात जो आज का चुनाव और आज का जो 13,000 से हम चुनाव जीते हैं, इस बात को प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात का कि हमारे जीत का कारण विकास है। ठीक है, तो इनेलो से चर्चा करते हैं। जोगी राम जी, अब मुझे ये बताएं, जो आप सुन रहे हैं कांग्रेस के उम्मीद साफ तौर पर उम्मीदवार जो हारे सुरजेवाला, या फिर दूसरी तरफ अगर भाजपा के कृष्ण मिड्डा की जीत की बात करें, 50,576 वोट इनको मिले, दिग्विजय को 37,631 वोट मिले, वहीं अगर आपकी पार्टी की मैं बात करूं 3,000 के करीब भी आपको वोट नसीब नहीं हुए हैं, हालांकि आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे ज्यादा हो सकता है, क्या वाकई परिवार की लड़ाई लोगों को नहीं भाई, लोगों ने इसलिए नकारा इनेलो को? सर नहीं, एक तो मैं विकास के बारे में कहना चाहूंगा, अगर विकास किया होता तो आज जींद की गलियां फटी ना होती, सारी गलियां आज उखड़ी हुई हैं, कहीं पर लॉकिंग टाइल लगाया जा रही है, कहीं बीच में काम पड़े हैं। और मिड्डा साहब हमारे, हरिकृष्ण मिड्डा जी हमारे जो विधायक थे पार्टी से, उन्होंने कितने बार ये पॉइंट उठाए कि भाई जनता मेरे को आगे रोती है, विधानसभा में कहा कि सीएम साहब आपको मैं रो रहा हूं यहां पर कि मेरे एरिया में कोई काम नहीं हुआ, अगर काम पहले हुए होते तो आज वहां सड़कें उखाड़ने की जरूरत नहीं थी, स्टेट हाईवे पर इंटरलॉकिंग टाइल लगाने की जरूरत नहीं थी जल्दी में। चलो हम इसी ने कहते काम हो गए, अच्छी बात है, आज कल नहीं हुए तो आज हो गए और आगे भी करने चाहिए, लेकिन आगे समय नहीं मिलेगा ना कि आगे कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, फिर बाद में विधानसभा कोड ऑफ कंडक्ट होगा तो काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोगों जो वोट दिया है इसीलिए दिया है, भी रूलिंग पार्टी है, उनके छोटे मोटे काम है वो हो जाएंगे, सबको विश्वास होता है। बसपा और इनेलो का गठबंधन का भविष्य क्या देखते हैं? बसपा और इनेलो के गठबंधन का भविष्य क्या देखते हैं? आपको लगता है कि भविष्य में टूट सकता है जिस तरीके से अब नतीजे रहे? देखिए बीएसपी इनेलो का गठबंधन मजबूत है, हमेशा रहेगा और रहेगा, ये एक विधानसभा का मामला है, इसमें भी सीएम के चेहरे थे,
सारे सीएम के चेहरे सिवाय हमारे लोकल आदमी के, सामाजिक कार्यकर्ता के, उस तरफ मनोहरलाल खट्टर जी का चेहरा था, उस तरफ सुरजेवाला जी एज ए सीएम थे, उस तरफ जेजेपी के सीएम के कैंडिडेट थे। तो लोगों ने कुछ उनकी इच्छाएं होंगी भी हमारा यहाँ सीएम कोई आएगा तो हमारे ज्यादा काम कराएगा, और हमारा पार्टी का इनेलो का एक ही वोट था, एक ही था हमारा। वो जब पब्लिक को लगा, जनता को लगा भाई ये जीत रहा है या इसको जिता देंगे हम, तो सारा एक तरफ डाइवर्ट हो गया। उस पे हम मलकानिया साहब आगे विचार करेंगे। मलकानिया साहब, जाटों का बिखराव और गैट जाटों का जो एक जुड़ था, एक जो जमात इकट्ठा हुई, जो वोट बैंक इकट्ठा हुआ, ये भाजपा को इसका फायदा हुआ क्या? ये ऐसा नहीं हुआ, वोट सभी को मिले हैं, जाटों से मिले हैं, गैर जाटों से भी मिले हैं। जहां तक जाटों का सवाल है, उनके तीन उम्मीदवार मैदान में थे, पर लोगों ने जात पात को इतना अधिक नहीं देखा। देखते तो हैं, जो भी चुनाव होता है उसमें हरेक जो है हर चीज देखता है, अब जात पात भी देखता है, शहर और गाँव भी देखता है। भाजपा को जो है वो शहरी इलाके से अच्छे मत मिले हैं, परंतु जेजेपी को ग्रामों में मत मिले हैं, तो इसका फर्क तो पड़ता है। इस सबसे बड़ा फैक्टर जो इन लोगों में रहा वो इनकी पारिवारिक फूट रही, और जेजेपी को लोगों ने हाथों हाथ इसलिए लिया कि युवा है और परिवार से छुटकारा गया है, उसको छुटकारा समझ रहे थे, बेचारा समझ रहे थे कि इसको दादा ने जो परिवार है उसने एक किस्म से अपनाने से इनकार कर दिया। एक घर में भी अगर बच्चे की पटाई होती है, कुछ होते हैं अड़ोस पड़ोस के लोग इसको कुछ काटते हैं और बनाते हैं, तो ऐसा थोड़ा बहुत हो जाता है। इतना ज्यादा जैसे लोगों में लहर थी कि जीजेपी सत्ता में आएगी, उस हिसाब से मत नहीं मिले, लोगों ने सोच समझ कर मत डाला, और मत इस हिसाब से डाला है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, सरकार जो सत्ता में है उसके पक्ष में डाला है। कांग्रेस की पूरी टीम लगी हुई थी, परंतु लोगों ने यह समझ लिया कि यहाँ जो लड़ रहा है वो पहले ही विधायक है, उसके पक्ष में बड़ा कम वोट मतदान किया है, परंतु इसमें इन लोगों को सोचने की आवश्यकता है। दो पार्टियां नई आई हैं, दोनों ने अच्छा काम किया है। एक बात बार बार उठाई जा रही है कि जो ईएमवी मशीन जो है मशीनों में गड़बड़ी हो रही है, परंतु मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस है या जो बहुवली है वो चाहते हैं कि जो मतदान है वो बैलेट पेपर से हो, और जो बहुवली है मतदान केंद्रों में जैसे जाते थे, एक बार गए और घुसे, बाकी स्टाफ को बाहर निकाला और ठप्पे लगाए, एकदम ठोक दिए, और कई कई दिन मतदान की पेटियां खुल रही और उनको मतों की गिनती होती रहती थी। मेरा ख्याल है कि हमें दोबारा, ठीक है राजेश साहब, हाँ अगर मशीन में कोई गड़बड़ी है सुधार लाना चाहिए, परंतु एक बैलेट पेपर का जो काम है वो बहुवलियों को रास आएगा, देखिए जनता को नहीं रास आएगा। देखिए मलकानिया साहब ने एक बात कही कि इनेलो की कम वोट और जो जेजेपी को वोट इसलिए मिली है क्योंकि वो दुत्कारा गया। मैं बल्कि ये मानूंगा कि जो इनेलो के जो जेजेपी के दिग्विजय थे, और दुष्यंत के ब्रदर भी हैं, भाई भी हैं, और दुष्यंत जी इस वक्त सांसद हैं, उनकी जो माता जी है वो नाना सिंह, वो भी उस परिवार से चौटाल पर, इन्होंने 40 साल इनेलो में काम किया, और दिग्विजय को वोट इसलिए मिली क्योंकि चौधरी देवीलाल जी के पड़पोते हैं, क्योंकि वो खुद एक चेहरा है, इस कारण उनको वोट मिली ज्यादा, इस कारण इनेलो वोट नहीं ले पाई इसका। और अगर वो ना खड़े, उन्होंने स्थानीय नेता क्यों नहीं दिया, क्योंकि स्थानीय नेता देते तो वर्चस्व नहीं जमा पाते, वर्चस्व की लड़ाई थी, इस कारण ऐसा हुआ कि उनको वोट ज्यादा मिली है। ठीक है, और दूसरा सवाल सर आपसे ये है मेरा, विधानसभा चुनावों की मैं बात करूं तो 90 सीटों पर जब आप लड़े तो उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा से सबसे ज्यादा आपको वोट बैंक हासिल हुआ, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी भी विकास के बयार से अछूते हैं, लेकिन सीएम साहब कहते हैं समान विकास हमने किया है और जींद में भी इस तरीके से, लेकिन कांग्रेस जो अभी अल्फाजों का इस्तेमाल कर रही है, जो आपने विकास नहीं किया जैसे मलकानिया साहब ने या फिर जोगीराम जी कह रहे थे, आपको लगता कहीं ना कहीं जनता पीठ भी दिखा सकती है, समान विकास वाकई करने की जरूरत है? ठीक है यहाँ पर जीत गए आप, सत्ता में थे, आपने वादे इरादे दिखाए और सीएम भी खुद स्टार प्रचारक के तौर पर वहां पर गए और जनता को खूब लुभाया, लेकिन वाकई अभी भी काम करने की जरूरत है? देखिए बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं आपके सवाल का बड़ा एक जवाब देना चाहूंगा, एक उदाहरण के रूप में जवाब दूंगा। 9 अगस्त 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, हमने एक नारा दिया था समान विकास और समान रोजगार का नारा। समान विकास के अंदर हम ये कहें कि हम 100% विकास तो कोई पार्टी नहीं कर सकती, वो 5 साल रहे 10 साल रहे, हर बार नई नई चीजें जुटती रहती है, नए नए, कभी जिस तरह हम स्मार्ट सिटीज लेके आए,
देखिए उदाहरण के तौर पर आपको बताऊंगा, अगर कालका से लेकर पानीपत तक हमारी 27 सीटें भाजपा की अगर आप इसको देखें, लेकिन आप ये देखिए जब नौकरियां ग्रुप डी की नौकरियां लगी तो उसमें सबसे ज्यादा लोगों को जो नौकरियां मिली वो जींद से, नारनौल से और भिवानी से मिली, जहां पर हमारा एक एक विधायक है। अगर हम ये कहें अगर हमारा समान विकास ना हो, समान रोजगार ना होता, तो शायद इन 27 सीटों में ज्यादा हम बांटते, ज्यादा रोजगार मिलता एज कम्पेयर टू जहां पर नहीं। तो इस उदाहरण से चरित्रार्थ है कि हमने जो विकास किया वो संपूर्ण विकास की। अब रही विकास की बात, हमने जो डाइवर्ट किए जितने भी जो हमारे पास फंड्स आए वो डाइवर्ट किए, चाहे वो जींद का बाईपास था, चाहे अम्बाला का बाईपास था, चाहे बरवाड़ा के पास निकलता हुआ बाईपास था, चाहे वो आपका गुड़गांव से जितने भी हमने लैंड एक्विजिशन के जो सेक्शन 4 के डेवलपमेंट करी वो सारी समान हुई। इसमें हमने ये नहीं सोचा है दक्षिण है या उत्तर पूर्व है, इसी बिकॉज इसी की लड़ाई लेकर हम हुड्डा साहब से लड़े थे, क्योंकि हुड्डा साहब ने अपने समय में रोहतक भी बता दीजिए सर सबसे ज्यादा लोग डॉक्टर में लगाए थे। तो उस तरह से मैं आपको क्या बिल्कुल विनोद साहब मूलभूत सुविधाओं की कमी तो है, अब इस बात को उदाहरण है जिससे शो होता इस। हाँ जी, ना इन्होंने बनाई ना उन्होंने बनाई, नहीं आप अगर आप जींद बाईपास जो अलीबाग जा रहे हो अगर आप देखें वो पूरा जींद जो सड़क है रोहतक एरिया में आगे बंद हो जाती है, आगे टूटी पड़ी है, ना आपने बनाई ना इन्होंने बनाई। नहीं मैं आप नहीं देखो इन्होंने बनाई या हमने बनाई, ये अगर हो सकता है कुछ विकास कार्य प्रॉपर नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ना विकास करा ही नहीं गया, बंद कर दिया। नहीं बंद कुछ कारण होगा ना, उसमें टेक्निकल बातें रही ना। डिंगरा साहब क्या टेक्निकल रह सकता है अभी तक में करना चाहता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं जी, हमारी देखिए ये रोड की बात कर रहे हैं, दस साल पहले वो रोड शुरू हुई थी जींद बाईपास की जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं, वो हमारे टाइम में चलती रही, सड़क बनती रही, जैसे ही ये बीजेपी की सरकार आई वो सड़क बननी बंद हो गई। एक सेकंड वही मैं कह रहा हूँ, वो सड़क बन रही थी वो रुक इसलिए गई क्योंकि हमारी सरकार चली गई और ये इनकी सरकार आई तो इन्होंने वो सड़क बंद कर दी, आगे बनना सुन तो लीजिए ना, ये तो फिर यही की बात कर रहा हूँ शायद कांग्रेस सरकार में समान विकास की बात टेंडरिंग जो बंद कर दी। अमर जी एक मिनट में बात बताना, बाईपास नहीं बना वाला जो है टेंडरिंग नहीं करी, एक सेकंड राजेश साहब सुन लीजिए और पूरा श्रेय लेना चाहते हैं। अरे राजेश साहब सुन लीजिए, पक्ष से लेके बनती हुई जींद को आ रही है, एक सेकंड अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, एक मिनट एक बोल लेना। देखिए अमर जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि हम जो है समान विकास और समान रोजगार दे रहे हैं जी, आप देखिए कैसे रोजगार दे रहे हैं ये, इन्होंने एक्स सर्विसमैन की ग्रुप डी की भर्ती करी अभी जी, और उसके अंदर एक 25/7/1993 का बच्चा है जिसकी उम्र 25 साल है, 10/5/1998 का एक बच्चा है जिसकी उम्र 20 साल है, उसको एक्स सर्विसमैन मान लिया इन्होंने और एक्स सर्विसमैन में उसको भर्ती दे दी। आप जो 20 साल का बच्चा है वो एक्स सर्विसमैन कैसे हो सकता है ये तो मुझे समझ नहीं आ रही, आपको भी शायद समझ नहीं आ रही होगी। और 1576 और 1570 नंबर पे वो भर्ती है, आप भी चेक कर सकते हैं वो लिस्ट निकाल के, 1576 नंबर पे जो भर्ती हुआ बच्चा उसकी 25/7/1993 उसका बर्थ डेट है और वो ग्रुप डी में जो है एक्स सर्विसमैन में भर्ती हो रहा है। 1500 जो लोग ग्रुप डी में भर्ती, अरे सुन लीजिए ना गलती के, अरे सुन लीजिए बता रहे हैं आप, 1500 गलती नहीं है इन्होंने, ये अगर गलती है एक मिनट, ये अगर गलती है पेंडिंग पड़ी, ये अगर गलती है एक मिनट, जितनी भी ये अगर गलती है सारी की सारी हाई कोर्ट सुन तो लीजिए, सुन तो उस पे स्टे हो गया, ये अगर गलती है राजेश साहब सुन लीजिए, अरे दूसरी डिंगरा साहब जिन्होंने अपने क्षेत्र संक्षेप में खत्म कीजिए, डिंगरा साहब डिंगरा साहब संक्षेप में खत्म कीजिए और 9000 से राजेश साहब सुन लीजिए ना, ये बता रहे मैं समझ दूंगा आपको, 18000 से देखो कैसे लगी, 18000 जाते एक आदमी बता रहे मृत्यु भर रही है देखो कैसे, अरे राजेश साहब समझ दूंगा आपको, नहीं देना चाह रहे तरीका नहीं पता जी, राजेश साहब सवाल अमर जी देखो सुनने नहीं देना चाह रहे, समझ दूंगा आपको रुकिए, डिंगरा साहब संक्षेप में खत्म कीजिए कृपया, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जे 20 साल का बच्चा एक्स सर्विस मैन में अगर वो भर्ती होता है तो आप ये देखिए कि किस तरह से फेयर एंड समान विकास और समान रोजगार ये सरकार दे रही है, जे एक ग्रुप डी का बच्चा भर्ती होता है तो उसको एक्स सर्विस मैन में दिखाया जाता है
और उससे कितना हिसाब किताब लिया, कितने पैसे लिए, गलती अगर गलती कोर्ट में डालिए, आप हम सारे नेता जेल में रखे, आपके यही नेता, यही भ्रष्टाचार की भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं इन्होंने, जो आप 20 साल के बच्चे को मान रहे हो, इसको भ्रष्टाचार कहते हैं, इसके अंदर सवाल यही गलती है, घोटाले करने वाले कर रहे हैं, बीजेपी के कांग्रेस ने दो आया में लिए, ठीक है दोनों मेहमानों को चाहूंगा मैं शांत रहे, शांत रहिए, यही गलती है, कांग्रेस बात करती है भ्रष्टाचार की, जोगी राम जी कांग्रेस बात कर रही है, कौन सच्चा कौन झूठा, लेकिन सवाल यहाँ पर जिन की जनता का कर रहे हैं आप, क्या लगता है जो विकास अभी तक नहीं हुआ किस दिशा में आप लोग देखें, क्या भाजपा पर भरोसा करें, जो आप भरोसा दिखाया है जीत उन्हें दिलवाई है, या फिर अगले चुनावों का इंतजार करें, जोगी राम जी देखिए विकास के बारे में जो बीजेपी दावे कर रही है वो झूठे दावे हैं, विकास नहीं हुआ है, नहीं तो इनको ना इनके मंत्रिमंडल को वहां जाने की जरूरत थी जींद में, ना सीएम साहब के जाने की जरूरत थी, अगर विकास हुआ तो लोग अपने आप ही वोट डालते, लोग वोट डालते हैं देखे भाई हमारा थोड़ा समय रह रहा है ये हमारे काम आएगा और ये काम हम करा लेंगे, हमारी पार्टी का अगर जो लॉस हुआ है हम उस पर अपना मंत्रणा करेंगे, बैठेंगे देखेंगे भी क्या गलती हमारे से हुई है, क्यों ऐसा हुआ है, और जो हमारी वोट है उसके बारे में मैंने बोला है, एनएलडी का जो वोट था 35-38 हजार का ये वोट था, वो एक तरफ का पलड़ा भारी हो रहे कारण उस तरफ चला गया, वोट हमारा वही था पहले, वही था अब भी वह वोट इंटेक्ट है वही है, उसको हम कोशिश करेंगे कि लेके आएंगे वापस, ठीक है। मलकानिया साहब आपको लगता है कांग्रेस और इनेलो को रणनीति बदलने की जरूरत है, क्योंकि जैसे आपने यहाँ पर तुरुप के पत्ते उतारे वो काम नहीं आए, हार गए, कहीं ना कहीं नीतियों में बदलाव करना होगा आपको, और आपसी मंथन आपसी तालमेल भी जरूरी चीज होगी, बिल्कुल जरूरी है, इनको तो ग्राउंड लेवल पे काम करने की जरूरत है, इनको अपने विधायक चुनने के लिए दूसरी पार्टियों का सहारा नहीं लेना चाहिए था, जैसे अब कांग्रेस है वो दूसरी बार से उम्मीदवार लाकर खड़ा करेगी या पहले विधायक को खड़ा करेगी, तो इसका मतलब है उनके पास वहां कोई उम्मीदवार था नहीं, तो और उम्मीदवार नहीं था इसीलिए लोगों ने स्थानीय उम्मीदवार को देखकर उम्मीदवार नहीं है स्थानीय इसलिए उसे वोट नहीं दिए, हालांकि पूरी जो कांग्रेस पार्टी है वो वहां डटी हुई थी, कांग्रेस के नाक का प्रश्न था यहाँ और राहुल जी ने इसीलिए भेजा था, उनको पूरी उम्मीद थी कि ये बड़े कद के नेता है और ये जरूर हमें सीट जीत कर देंगे और उसके बाद जो आगरा चुनाव होगा बाद में देखा जाएगा, परंतु एक बार तो वो ये चाहते थे कि कांग्रेस इकट्ठी होकर चुनाव लड़े चाहे एक सीट पर तो लड़ ले, परंतु वो बार तो नजर आया ऐसा इकट्ठे लड़ रहे हैं, परंतु जो वोट है वो मुझे लगा नहीं कि इस हिसाब से पड़े हैं कि इकट्ठे नहीं हो सकते, जो समान विकास की हम बात कर रहे थे, बिल्कुल समान विकास का दावा तो भाजपा कर रही है और इनके प्रवक्ता साहब भी जमकर बखान कर रहे हैं इन तमाम चीजों का, लेकिन वाकई आपको लगता है क्या विकास हुआ है, और दूसरी तरफ भाजपा के जो अपने ही विधायक भाजपा के खिलाफ खड़े होते नजर आए, चाहे वो बिमला जी की बात की जाए या फिर और विधायकों की, विकास के मसले पर या फिर अपने ही कैबिनेट मंत्री राव जैसे खुद सीएम बनने की बात करते हो, जब बड़े मंत्री साथ में बैठे हो, इस तरह की जो चीजें चल रही हैं तो भाजपा को भी मंथन करने की जरूरत होगी मलकानिया साहब, और क्या वाकई ये मानकर चलें कि समान विकास नहीं हो रहा इसलिए अपने अपनों के ही खिलाफ हैं, भाजपा में भी कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ा रही हैं, मलकानिया साहब जहां तक समान विकास की बात है तो सरकार का ड्यूटी बनती है कि सब जगह समान विकास हो, परंतु होता नहीं है, ये तो बड़ी साफ बात है, जहां आपका अपना विधायक है उसकी तो आप सुन भी लेते हैं, परंतु विपक्ष का जो विधायक होता है वहां विकास नहीं होता है, यही बात जींद में रही है, और अब लास्ट मोमेंट तक वो नजर आ रही थी, जब चुनाव आ गया तो कहते रातों रात सड़कें बनानी शुरू कर दी, गड्ढे पाटना शुरू कर दिया, अगर वहां विकास हुआ होता इन लोगों के टाइम में भी तो इस समय इतने विकास की जरूरत ना पड़ती, इतने वायदे नहीं करना पड़ते, और जहां भी दबदबा होता है जिस विधायक का दबदबा होता है वो काम विकास करा लेता है, परंतु विकास कराने के लिए हरेक विधायक में अपना दम चाहिए, सरकार जो है वो देखकर ही
विकास करती है और अपने का ख्याल तो हर सरकार रखती है, चाहे कोई सरकार हो, कहने को सभी कहते हैं कि विकास समान होता है और करने की कोशिश थोड़ी बहुत तो हर सरकार करती है, विकास हर सरकार के टाइम में होता है, कुछ काम तो करना ही पड़ता है। जैसे अब कांग्रेस के प्रवक्ता दावा करते हैं कि हमने ये कर दिया, तो जो काम किया उसको आगे बढ़ाना अगली सरकार की ड्यूटी होती है, पर कहां तक होता है ये आपके सामने है। बिल्कुल राजेश साहब, विकास होगा क्या जिनका या नहीं, क्योंकि आपके खुद के विधायक ही बरखिलाफ हो गए थे और आवाज उठाते नजर आए तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा विकास क्या होना, जो सीएम बनने की बात करते हैं देखिए पता नहीं ठीक हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, वोट इनको मिल गई है। अब विकास की बात करें, जो कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं जोगी राम जी, वो नहीं क्यों नहीं होगा विकास, क्यों नहीं होगा कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये थोड़ा तीन महीने पहले कोड ऑफ मेरे पास दो मिनट है राजेश, कम हो गया नहीं मार्च में क्यों लगे, अगर अप्रैल तो डेढ़ महीने पहले होगा दूंगा, तो छह महीने तो है हमारे पास कोड ऑफ विकास करने के लिए। देखिए मैं आपको मैं ये यहाँ पर ये कहना चाहता ये कह रहा था कि अगर विकास वाली बात है, अपने मैं कह रहा था समान विकास किया, आपको उदाहरण से भी मैंने समझाया। अब बात ये कि आपने अभी कहा कि हमें मंथन करने की जरूरत है कि हमारे कुछ लोग भी, अगर कोई विधायक अपने पर्सनल व्यक्तिगत कारण के अंदर ऐसा कुछ कहे तो बात गलत है, अगर समाज के लिए काम कहता है या करने को बोलता है उसमें क्या गलत है। विकास की वाली बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी भी विधायक को कोई प्रॉब्लम लेके आया या समाज को संबोधित किया और लोकसभा विधानसभा चुनाव फंड दिया भी है जा सकते हैं, क्योंकि कल मुलाकात हो रही है अमित शाह के साथ। संक्षेप में 20 सेकंड फॉर यू सर प्लीज। मैं इस बारे में नहीं कह सकता, संगठन का फैसला है, क्योंकि हमारे यहाँ पर गुटों की बात तो है नहीं कांग्रेस की तरह कि कुछ और डिसाइड हो बाद में कुछ और हो, सर्वोपरि करने की जरूरत होगी, सर्वोपरि नहीं होती। डिंगरा साहब बिल्कुल मंथन करने की जरूरत होगी और मंथन कांग्रेस जरूर करेगी कि वहां पे हमारे क्या क्या कारण रहे, किस किस कारण से हमें क्या दिक्कत आई, क्यों वोट नहीं मिल पाई, और जिम्मेदारी तवर लेंगे कांग्रेस जरूर मंथन करेगी और कांग्रेस कमेटी जो है वो एक लाइन में सर देखिए मैं आपको सीधी बात कहूं, इसमें हमारा जो मंथन है वो तो राहुल गांधी की हमारी है, लेकिन जहां के कारण वोट बैंक कटा ये मानते हैं आप? देखिए ये कोई एक दिन का नहीं था, एक ऐसा समय पर ऐसा हुआ है, दो तीन साल से चल रहा था, ड्यूटी भी वही उन्हीं की थी दुष्यंत चौटाला की और दिग्विजय चौटाला की, वो एरिया एक तरह से जिम्मेवारियां बांटी हुई थी युवा विंग की स्टूडेंट विंग की, और वो ऐसा एकदम से कारण बना के, और दूसरा जो बीजेपी में हमारा जो उनका आगे कैंडिडेट उसमें चले गए, लेकिन हम इसमें भी अपना सोच विचार कर सत्र की बात कहीं ना कि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव हो सकते हैं एक साथ सर, तो हमारी तैयारी है पूरी तैयारी करेंगे एक में होगा। ठीक है धन्यवाद सर। तो राजेश साहब केवल ढींगरा साहब जोगी राम जी के सहकारी साहब तमाम मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, लेकिन फिलहाल जींद की धरा पर आज कमल खिला है, लेकिन विकास की बात की जाए तो आजादी के इतने सालों के बाद भी अभी तक जींद का विकास नहीं हो पाया, लेकिन समान विकास की बात भाजपा करती है, लेकिन विकास कब होगा ये बड़ा सवाल है और इतने कम समय में कैसे, और वहीं लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं समझाया जा रहा है, लेकिन तैयारी क्या, मंथन करने की जरूरत, लेकिन सवाल ये बसपा इनेलो के भविष्य का क्या होगा, क्या गठबंधन टूटेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस नतीजे वैसे नहीं आए हैं, वहीं जीत को कंटिन्यू रख पाएगी भाजपा नहीं, वहीं कांग्रेस क्या उम्मीदवार इनके पास कम थे, प्रत्याशी कम थे जो सुरजेवाला को वहां पर लगाया, या फिर वाकई काटा थे जो निकाल दिए गए, ये तमाम चीजें आज जीत की जंग में हम चर्चा कर रहे थे। तो फिलहाल अब जीत के बाद भाजपा से उम्मीद होगी कि जींद का विकास हो। नमस्कार।